ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल टिकट आप काफ़ी तेज़ी से कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है पेमेंट ऑप्शन होता है। हम कौन सी बैंक या फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करें, जिसकी मदद से हम तत्काल टिकट काफ़ी तेज़ी से बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे तत्काल टिकट बुक करते समय पेमेंट ऑप्शन हमें क्या सेलेक्ट करना है, और साथ में जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको दो प्रकार का एरर फिलहाल में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में IRCTC पेज जो है लॉग आउट हो रहा है, और सेकेंड जब हम IRCTC पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद प्लान माई जोनी फिल कर देते हैं, इसके बाद जैसे ही पैसेंजर डिटेल फिल करते हैं, पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो हमारे एक और एरर आ रहा है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर, कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हैं। और लास्ट में हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी आपको तत्काल टिकट बुक करना है 11 बजने से 1 मिनट पहले ही लॉगिन करना है, इसके बाद प्लान बाई जोनी सेलेक्ट करना है। जोनी सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपको 11:05 या 7 सेकेंड होता है तो आपको ट्रेन सर्च पे क्लिक करना है। ट्रेन सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ट्रेन सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल फिल करते हैं, फिल जब आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जब भी तत्काल टिकट बुक करना हो तो 1 से 2 नाम ही बुक करें, 3 से 4 नाम बुक ना करें। तो यहाँ पे 2 नाम यदि फिल करता है फिर भी, इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 से 40 सेकंड प्रोसेस यानी कि प्लीज वेट पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। इसी पेज पे हमें 2 से 3 मिनट लग जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को यदि मोबाइल से बुक कर रहे हैं तो आपको सिंपल करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है और यहाँ पे आपको ऐप का एक फाइल मिल जाएगा, सिंपल ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को सर्च करना है। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज के एक ऑप्शन मिल जाएंगे और स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को क्लियर कैच कर लेना है। यदि आप क्लियर कैच कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद भी यदि ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट ना बुक करके IRCTC की वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल से या फिर लैपटॉप या फिर PC से। इसके बाद यदि आप IRCTC के वेबसाइट से भी टिकट बुक करते हैं, यही प्रॉब्लम सेम आ रहा है, तो आप लोग जब भी टिकट बुक करेंगे तत्काल टिकट, एक बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले टिकट बुक करने से 5 से 7 मिनट पहले अपने PC या लैपटॉप को हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है। यदि आप हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व हो जाता है। इसके बाद फिर भी नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप IRCTC पे तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो न्यू ID से बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा हूँ, एक ID में अगर 3 से 4 टिकट बुक होता है, वही ID हम फिर से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ये सब पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन पे आ जाते हैं। पेमेंट ऑप्शन पे जब आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे मैं 4 वेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ जिससे आपको पेमेंट करना है। फर्स्ट में आप यहाँ पे फोन पे यूज कर सकते हैं, इसके बाद सेकेंड में आप लोग पेटीएम यूज कर सकते हैं, थर्ड में आप लोग यहाँ पे MobiQuick यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में MobiQuick काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है और OTP 1 से 2 सेकेंड में आ जा रहा है। और जैसे हम OTP फिल करते हैं तो यहाँ पे 3 से 4 सेकेंड पेमेंट पे टाइम लेता है और इसके बाद टिकट बुक हो जाता है। यहाँ पे 5 से 7 सेकेंड के अंदर अंदर में आप पेमेंट पास कर सकते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आता है IRCTC iPay। यदि यहाँ पे IRCTC iPay भी यूज करते हैं तो भी आप तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। इस तरह से आपको 4 पेमेंट ऑप्शन वेस्ट है, आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद IRCTC पेज लॉग आउट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आपको लॉग आउट ना हो इसके लिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे अब 30 से 40 सेकेंड पहले आपको लॉगिन करना है। यदि आप 30 से 40 सेकेंड पहले लॉगिन करते हैं तो पेज लॉग आउट नहीं होगा। यदि लॉग आउट होता है तो आपके साथ ही नहीं होगा, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है। तो ये IRCTC की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।